हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे बारे में पूछेंगे तो मैं एकदम स्वस्थ हूँ और फिलहाल मैं बागेश्वर धाम पे हूँ। बागेश्वर धाम छतरपुर ज़िले में आता है, वहाँ पे हूँ और अभी हूँ मैं फिलहाल बागेश्वर धाम के घर पे, जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन गुजारा है। मैं उस घर पे हूँ फिलहाल भाई। ये आपको जो दिख रहा है ना पुराना सा घर, ये है बागेश्वर धाम का, जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन गुजारा है। ये देखो कैसे बिल्कुल पुराना घर है भाई, टूटा फूटा। अभी तो ये देखो उसकी कोने से दीवारें भी टूट के गिर चुकी हैं भाई। ये देखो आप लोग भाई, ये पूरी दीवार टूट चुकी है। यहाँ पे जो दीवार है उसमें भी छेद हो चुका। पीछे एक झांकी लगा रखी थी इन्होंने, वो यहाँ से दिख रही है। ये देखो कैसे पुराना घर है भाई, और टीन लगी हुई है। ये गाँव है, ये भी काफ़ी पुराना है। अगर आप यहाँ की गलियाँ देखेंगे तो गलियों की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है भाई। जो नालियां हैं वो गली के बिल्कुल बीचों बीच हैं, जबकि अगर हम किनारों पर नालियां बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब चलो इस घर के अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये घर अंदर से कैसा है, जहाँ पे हमारे बाबा जी ने अपना बचपन गुजारा है भाई। ये देखो भाई, फिलहाल ये घर अंदर से ऐसा है। अब इस घर में कोई गैया या एक भैंस को रखते हैं। अभी ये भैंस का बच्चा है भाई, जो इस घर के अंदर, अभी क्या है कि अभी इसके घर के अंदर भैंस बांधते हैं। 5 साल पहले बाबा जी यहाँ पे रहते थे और 5 साल पहले वो यहाँ से चले गए थे। एक नया घर बना लिया है उन्होंने, आपने पिछली वीडियो में देखा भी होगा वो नया घर। ये देखो भाई कितना छोटा सा घर था बाबा जी का, जहाँ पे वो अपनी दिनचर्या पूरी करते थे भाई। यहीं उनकी पढ़ाई चलती थी, यहीं वो अपने जितना जो इन्होंने विद्या प्राप्त की है वो सब कुछ उन्होंने यहीं से किया भाई, जो उनको सिद्धियाँ मिली हैं। ये देखो अब टूट चुका है ये घर पूरा भाई। इधर देखो, ये देखो यहाँ से टूट गया, वो टूट गया। ये दो तो शायद झांकियाँ लगा बनाई थी उन्होंने भाई, थोड़ी हवा आने के लिए। और ये देखो पूरा पुराना है भाई। ये देखो ये लकड़ी, कितनी पुरानी लकड़ियाँ हैं, ये बहुत पुरानी लकड़ियाँ, क्योंकि अभी ये लकड़ियाँ दीमक ने खा चुकी है। जो मिट्टी दिख रही है आपको, ये दीमक की है भाई। देखो बहुत पुरानी हो चुकी हैं। और पत्थर की टीन डाल के उस टीन से इसको कवर कर रखा है। छत पक्की नहीं है। जो ये दीवारें हैं, ये दीवारें अगर आप देखोगे तो ये दीवारें मिट्टी की हैं भाई, मिट्टी की चिनाई करके दीवारें बनाई हैं। ये इतनी मजबूत नहीं है। बहुत पुराने घर में बाबा जी ने अपनी भाई ज़िंदगी गुजारी है। आप देख सकते हो भाई कहाँ से निकले हैं बाबा जी और कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आजकल उनकी विख्याति बहुत ज़्यादा हो चुकी है भाई। चलो आप लोगों को माता जी से मिल लेते हैं भाई, जो यहाँ पे रहती हैं। वैसे जितने भी लोग आते हैं तो माता जी से क्वेश्चन पूछते हैं। माता जी बहुत परेशान हो गई हैं उनके क्वेश्चनों का जवाब दे दे के। अभी मैं पूछ रहा तो वो थोड़ी परेशानी में थी भाई। जितने भी लोग आते हैं सब माता जी से पूछते हैं तो माता जी बहुत परेशान हो जाती है भाई। ये देखो भाई पहले ही मना कर रही है माता जी कि मत पूछो। तो दोस्तों कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे, ऐसा है कि यहाँ पे जितने भी यात्री आते हैं, अपने श्रद्धालु आते हैं, आने के बाद जो परेशानी ना हो, जो वाकई आप देखो परे बैठे हैं अपने, जैसे आए सुन बता रहा हूँ कि जो है सामने महाराज जी का। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं आने के बाद में, सबसे ज्यादा परेशान जो होती हैं वो है हमारी आंटी, क्योंकि इन्हीं का घर है सबसे निकट, और निकट होने के कारण सबसे पहला क्वेश्चन इन्हीं के पास में जाता है कि महाराज जी कैसे कैसे व्यतीत हुआ उनका जीवन, और क्या क्या रहा उनके जीवन में जो आपने अभी तक यहाँ देखा, क्योंकि शादी के बाद में 30 साल हो चुके हैं अम्मा को यहाँ रहते हुए। तो चलिए कोई नहीं, बाकी ये सिचुएशन ऐसी है और सिचुएशन को ये भी अपना महसूस करके हमारे साथ ऐसे इन्होंने बिहेव करा यहाँ पहुँचने के बाद। नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई वीडियो नहीं बनाओ, यहाँ से जाओ। चलो कोई भी भाई, अगर बार बार हम किसी से कोई क्वेश्चन करते रहेंगे, बार बार कुछ भी पूछते रहेंगे, तो एक बंदा कितने बंदों को ही जवाब देगा। वो धीरे धीरे परेशान हो ही जाएगा। और अम्मा भी ऐसे ही परेशान हो चुकी हैं। आप भी आओ तो आपको मैंने दिखा दिया भाई, ये घर है। आप आओ तो आप यहाँ के दर्शन कर सकते हो, क्योंकि गुरुजी का बचपन जो है वो यहीं पे बीता है भाई। उनकी काफ़ी यादें जुड़ी होंगी यहाँ से। अब तो उन्होंने घर नया बना लिया है, अब यहाँ नहीं आते, क्योंकि उनकी जो कार्य है भाई आजकल वो सब बाहर का रहता है। हाँ, वो 5 साल पहले थे यहाँ पे। हाँ ठीक है भाई, ये भाई भी यही बता रहे हैं, क्योंकि माता जी ने बताया हमें, जो कुछ बताया है उसी से हमें पता चला है भाई। बाकी तो हमें कुछ पता नहीं था यहाँ का। तो अभी तो वही है, गुरुजी की जो कार्य है वो सब रहते हैं भाई। कभी भागवत रहती है, कभी कुछ रहता है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन ही हिंदू राष्ट्र को दे चुके हैं भाई, अपने भारत को दे चुके हैं वो पूरा अपना जीवन। अभी तो उनका जीवन खुद का जीवन तो है ही नहीं, क्योंकि वो खुद तो एक सन्यासी है भाई। ठीक है दोस्तों, तो यही है भाई उनका आज का मतलब, जो उनका पुराना घर है वो उनका यही है।
बाकी जो नया घर है वो उसका भी एक झलक मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने काफ़ी कुछ जानकारी दी। यहाँ पे गढ़ा गांव में आने के बाद मुझे लग रहा है मैं कुछ साल पीछे आ चुका हूँ। आपको दिखाता हूँ, मैं जैसे पुराने टाइम में होता था गाँव में कुएँ होते थे पानी लेने के लिए। तो देखो अभी भी ये कुएँ हैं, कुएँ चालू तो नहीं है पर पाइप के द्वारा इस कुएँ से भी पानी निकाला जाता है भाई। ये देखो जैसे वो पाइप दिख रहे हैं ना काले रंग की, ये पीले रंग की पाइप है, ये काले रंग की पाइप है जो ऐसे होते हुए वहाँ तक पहुँच गई है। ऐसे गांव में पुरान और घर भी पूरे पुराने हैं। ये देखो टी जो इसकी छत है वो पत्थर की टीन से छत बनाई हुई है गाँव के घरों की। ये गाँव मुझे थोड़े पुराने टाइप के लग रहे हैं भाई, क्योंकि अभी ये देखो ये कुआ है, इसमें भी मोटर बांध के, वो देखो मोटर नीचे लगी हुई है, ये देखो आपको दिख रही होगी मोटर, ये रही मोटर, वो मोटर से ऐसे पानी घरों में लेके जा रहे हैं। और जैसे गांव में होता था ना पुराने टाइम में, एक पेड़ होता था, पेड़ के चारों तरफ एक चबूतरा बना देते थे और चबूतरे के नीचे गांव के जो लोग होते थे गर्मी के समय में वो बैठ के अपना टाइम पास करते थे, कुछ भी काम कर लेते। वैसे ही यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं, ये देखो भाई ये लोग बैठे हुए हैं। कैसे हो भाई, बढ़िया हो? और गांव ये देखो पेड़ के नीचे मटके के अंदर पानी रखा हुआ है, एकदम ठंडा पानी है क्योंकि नेचुरली ठंडा हो रहा है। इस पानी में कोई भी ऐसा कुछ जैसे फ्रिज से ठंडा करते वैसा नहीं है। इसका स्वाद भी अलग होगा क्योंकि मिट्टी के घड़े में भरा हुआ है, तो इस पानी का टेस्ट भी बहुत अलग है पीने में और नेचुरली रूप से ठंडा हो रहा है, तो ये ठंडा भी बड़ा अच्छा है भाई। और जो जितने भी पानी में मिलिनर होते हैं ना सारे के सारे इस पानी के अंदर है भाई। और पेड़ की छाँव में बैठ के आपका शरीर कभी भी अकड़ेगा नहीं, जैसे अगर हम एसी में रहते हैं ना तो हमारा शरीर अकड़न करने लगता है, ज़्यादा पूरा टूटने लगेगा शरीर हम अगर ज़्यादा देर रह के गर्मी में जाएंगे तो। लेकिन अगर नेचुरली छाँव में रह रहे ना लोग तो उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बुढ़ापे तक। ये गाँव ऐसा है पुलबिट, मैंने आपको कहा था अभी कि बागेश्वर धाम सरकार जी का आपको नया घर भी दिखा दूँगा, तो ये देख लो आप, ये है बागेश्वर धाम सरकार का नया घर। अगर हम घर देखते हैं नया, तो अभी घर ये अच्छा बन चुका है भाई, आसपास के घरों के जैसे आसपास बहुत पुराने पुराने घर हैं तो उन घरों से काफ़ी ठीक ठाक बन चुका है भाई। उतना लग्जरी घर तो नहीं है पर ठीक ठाक है, एक रहने के लिए पक्का मकान है। और ये देखो साथ में बागेश्वर धाम जी सरकार की सामने ही फ़ोटो लगी हुई भाई। जो भी लोग बाहर से आते हैं ये मेन रोड पे पड़ता है, जैसे जो ये रोड है गांव से जाएंगे तो ऐसे इस रोड से होते हुए सीधे हम आगे धाम पे पहुंच जाएंगे। और जो भी लोग आते हैं यहाँ आके पहले भाई घर के सामने ही दंडवत प्रणाम करते हैं। और ये घर है इनका, अंदर इस कमरे के अंदर जो बागेश्वर धाम जी हैं उनकी गद्दी लगी हुई है भाई, और हर कमरे के सामने श्री राम प्रभु जी की और हनुमान जी के साथ में उनके चरणों में हनुमान जी हैं। ये देखो हर घर के दरवाजे पे, हर रूम के दरवाजे पे ऐसी एक एक फ़ोटो बनी हुई है हनुमान जी की और श्री राम प्रभु की। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने बागेश्वर धाम जी का पुराना घर भी देख लिया है और ये नया घर भी देख लिया है। आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और आपको कोई भी जानकारी यहाँ के बारे में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस जानकारी की पूरी डिटेल आपको या तो कमेंट में ही दे दूंगा, और अगर आपकी जानकारी ज़्यादा अच्छी रही तो मैं उस जानकारी पे पूरी एक वीडियो बना दूंगा और साथ में आपका नाम भी दे दूंगा कि उस भाई ने मुझसे ये जानकारी पूछी थी।